आज दिनांक 13 मार्च से गंगानगर शहर में आदर्श ट्रैफिक जोन नामक अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के तहत जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि लोगों को अधिक से अधिक ट्रैफिक के नियमों की पालना कराइए, साथ साथ ट्रैफिक जो है उसको किस तरीके से सुगम बनाया जाए इस पर कार्रवाई की जाए। इसके तहत रैंडम जगह पर किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर कोई एक स्ट्रेच चुना जाएगा जो 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक हो सकता है। वहाँ पर ट्रैफिक के अलावा पुलिस थाने का और पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता देकर के जितने भी ट्रैफिक नियम है उनकी पालना कराई जाएगी, साथ साथ उस एरिया में ट्रैफिक को सुगम रूप से चलाया जाएगा। इसके तहत आज एक जनसभा भी की गई जिसमें व्यापार संघ के लोग रहे, विभिन्न जो अन्य संगठन थे उनके भी लोग रहे, जनप्रतिनिधिगण रहे, उन सबसे इस बारे में चर्चा की गई, सभी से सहयोग का आह्वान भी किया गया, सबने सहयोग देने के लिए कहा भी है। तो ये जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाई जाए, साथ साथ एक्सीडेंट होने वाली जो डेथ है उसको कम किया जाए। लेकिन फिर भी जो लोग आदिशन यातायात व्यवस्था को सुधारने के आदि है श्री गौरव यादव जी को बुक के भेंट कर आज उनका सम्मान करें। एडिशनल एसपी आदरणीय श्री रघुवीर प्रसाद जी शर्मा, उनका सम्मान करें। आएगी निश्चित रूप से, हमारे सकारात्मक प्रयास रहेंगे। उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आप सभी जानते हैं कि गंगानगर पुलिस हमेशा सामाजिक सरोकारों को स्थान देने में हमेशा राजस्थान में प्रथम रही है, अद्वितीय रूप से काम करती रही है। उसी दिशा में आदरणीय एसपी साहब श्री गौरव यादव योजना का प्रारंभ किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शहर के जितने भी सड़क मार्ग हैं इसमें से किसी भी दिन कोई भी सड़क मार्ग जो है वो आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया जा सकता है। ये 2 किलोमीटर का कम से कम एरिया हो सकता है, 1.5-2 किलोमीटर का, और इस एरिए पर कभी हो सकता है सुखाड़िया सर्कल हो, कभी मीरा चौक हो, कभी पुरानी आबादी का कोई। यातायात नियमों की पालना में सुधार की दृष्टिगत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी, जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और लगातार प्रयासों के बाद भी जो लोग एसपी साहब के साथ झुंझुनू में मुझे कार्य करने का मौका मिला, उस दौरान श्रीमान एसपी साहब के द्वारा जो योजना लागू की गई उसको जन मानस ने सराहा। इसमें सामान्य सा है ये कि किसी भी एक रोड को चुनकर एक दिन के लिए, एक दिन में जैसे 2 घंटे के लिए किसी एक रोड को चुना और उस पर पूरी तरह से उस पर गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वाहन चालक को पूर्णतः नियमों की पालना करनी। अगर कोई व्यक्ति आदर्श ट्रैफिक जोन, मान लीजिए सुखाड़िया सर्किल से और बिरबल चौक तक आदर्श ट्रैफिक जोन बना दिया, इसका ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। यातायात जागरूकता कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गौरव यादव जी, एडिशनल एसपी साहब, कितना सौभाग्य का विषय है कि इस वक्त गंगानगर में दो अंडरटेनिंग आई थी और हमारे एसपी साहब भी आई थी। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी याददाश्त है गंगानगर में 3 IPS पहली बार है। आदरणीय डी आदित्य जी, आदरणीय विनय कुमार, सभी थाना अधिकारी महोदय, गंगानगर के व्यापार मंडल के सभी शीर्ष अधिकारीगण, जितनी भी एसोसिएशन्स हैं उनके पदाधिकारीगण, वाहन चालक लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आज पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में
यातायात जागरूकता अभियान के तहत गंगानगर की जनता एकत्रित हुई। हमारे बीच में बहुतायत संख्या में पार्षदगण भी मौजूद है और जहां जागरूकता की पहली कड़ी प्रारंभ होती है वहां व्यापार मंडल और पार्षद इन दो की अहम भूमिका रहती है। पार्षद केवल मात्र वार्ड का विकास करवाने तक सीमित नहीं, किसी शहर की सुंदरता वहाँ की सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था से भी जुड़ी है और शायद साफ सफाई के साथ साथ सुसंगठित यातायात व्यवस्था उस शहर की रेटिंग में अपना अहम रोल अदा करे। एसपी साहब ने झुंझुनू जैसी जगह, झुंझुनू के बारे में मशहूर है कि वहाँ हर गली में एक नेता रहता है और ऐसी जगह पर सुव्यवस्थित यातायात की व्यवस्था की और वो भी सहृदय से सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के, शायद जितनी बहुतायत में आज यहाँ जागरूक नागरिक उपस्थित हैं वहाँ शायद ना रहे होंगे या एसपी साहब के आग्रह पर उपस्थित रहे होंगे, लेकिन आज हम तो अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए। मेरा एसपी साहब से एक ही निवेदन है, क्योंकि आज व्यापार मंडल भी यहाँ है, पार्षदगण भी यहाँ है, विभिन्न यूनियन के लोग भी यहाँ है, टेम्पो और बस चालक, ये व्यवस्था थोड़ी सी ज्यादा सुदृढ़ करने वाली है। आपकी प्लानिंग में टेम्पो का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई बुराई नहीं है, शहर में अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के, यानी कि टेम्पो यूनियन को कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई भी व्यक्ति रोजगार के उद्देश्य से यहाँ आ जाता है। हमारी भी सहृदयता इस बात में है कि हम उसको रोजगार के लिए बोलते हैं, ठीक है आप लोग 2 रुपए कमाइए, अपने बच्चों का पेट पालिए, लेकिन इस सहृदयता का नाजायज फायदा कुछ लोग उठा लेते। यूनियन के पदाधिकारी यहाँ बैठे, ओमी नायक बहुत पुराने यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिला यूनियन और राजस्थान यूनियन तक आपकी पूरी सहभागिता है, तो आपसे भाई सोनू मनेजा जी बैठे हैं, बस चालकों से, इन दो से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस व्यवस्था को सुसंगठित ढंग से लागू करने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। तो मैं एक छोटे से उसमें बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आदर्श ट्रैफिक जोन के पोस्टर्स हैं वो दोनों साइड लग जाएंगे सड़क के, जो भी 500 मीटर का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा वहां पर ट्रैफिक के जाब्ते के साथ साथ अन्य थानों का जाब्ता भी दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोतवाली एरिया का जाब्ता दिया जाएगा, कुछ पुलिस लाइन से जाब्ता दिया जाएगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि उस एरिया में ट्रैफिक व्यवस्था एक तो पहली बात की अच्छी रहे, जो जैसी पार्किंग होनी चाहिए उस तरीके की पार्किंग हो, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हो, और जो व्यक्ति किसी भी तरीके का ट्रैफिक रूल का वायोलेशन कर रहा है, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो 3 सवारी हो, चाहे वो मुंह पर घाटा बांधा हुआ हो, चाहे वो बिना नंबरी गाड़ी हो, चाहे वो ओवर स्पीड हो, चाहे बिना सीट बेल्ट हो, जो भी ऐसी चीज जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, हम उसमें पॉल्यूशन चेक करने नहीं जाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है उन सभी चीज़ों को चेक करके ये इंश्योर किया जाए कि लोग उसका कंप्लायंस करें। शुरू के 2-3 दिन हो सकता है कि हम सबके विरुद्ध उतनी कार्रवाई नहीं करें, कुछ लोगों को समझा के ही कोशिश करेंगे कि छोड़ दें, बट ये मान लीजिए कि सोमवार से इस जोन में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी यदि वो किसी ट्रैफिक नियम का पालना नहीं कर रहा है। ये जोन अलग अलग जगह अलग अलग समय पर अलग अलग जगह रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं रहेगा कि साहब आज यहाँ पर है तो यही पर रहेगा। उसका 2 कारण है, एक तो एक ही जगह पर रहेगा तो वहाँ के लोकल लोग भी हो सकता है कि परेशान हो जाए कि साहब ये क्या है, ये हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया। दूसरा है अलग अलग जगह होगा तो आप लोगों को जो कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में कि पता ही नहीं लगा कहाँ पर कौन आ गया, तो लोगों में ये आएगा कि साहब इस रोड पे जाएंगे तो क्या पता इस रोड पे मिल जाए, उस रोड पे जाएंगे तो क्या पता उस रोड पे मिल जाए, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी कि इस ट्रैफिक नियमों की पालना की जाए। अब जैसा एमएलए साहब ने भी बताया और एडिशनल साहब ने भी बताया, जो हमारे यहाँ पर ऑटोज चल रहे हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज चल रहे हैं, ऑटो के लिए हमने ऑटो यूनियन से भी बात की है, उनसे लगातार संवाद भी करते रहेंगे। इस बारे में मेरे ख्याल से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई वाहन नहीं चलना चाहिए, तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई ऑटो नहीं चलना चाहिए,
बिना नंबर का कोई ऑटो नहीं चलना चाहिए, इसमें भी कोई डिसएग्री नहीं करेगा। जो व्यक्ति ऑटो चला रहा है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, भाई है तो कहाँ का है, कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, कोई पता नहीं कहाँ का कोई किसी दूसरे देश से आकर के यहाँ ऑटो चला रहा है, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस चार चीज से मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति का ऐतराज नहीं होगा, ना शहर में होगा, ना ऑटो यूनियन के लोगों को होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के यहाँ रहने लगे या वाहन चलाने लगे जिसका क्रिमिनल इंसिडेंस ही नहीं पता है, पता चला वो कहीं मर्डर करके आया हुआ है और यहाँ पर इस रूप में रह रहा है, यहाँ कोई बड़ा क्राइम कर जाए। तो सबसे पहले मैंने CEO जो ट्रैफिक इंचार्ज है उनको ये दिशा निर्देश दिए कि अगले 10 दिन में इन चार चीज का वेरिफिकेशन कर ले। अगर इन चार चीज को पालना कर रहे हैं तब तो ऑटो चलेगा, अदरवाइज वो ऑटो नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऑटो लोगों को किराए पे देता है उसकी भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो इंश्योर करे कि ये चार चीज की मिनिमम पालना हो। पहला स्टेप तो यही है कि भाई वो ऑटो सही हो, चलाने वाला सही हो, उसके बाद सेकंड चीज आती है। दूसरी चीज जैसा अभी MLA साहब ने कहा उसी में वार्ता हुई है, जितने भी ऑटोज हैं उनकी नंबरिंग की जाएगी ताकि ये ध्यान में रहे कितने ऑटोज हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कोई भी जो व्यक्ति आता है, कोई भी ऑटो में बैठता है व्यक्ति, अगर उसको नंबर दिखेगा कि एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, तो कहीं उसके साथ घटना होगी, दुर्घटना होगी, कोई और बात होगी, तो उसको ध्यान रहेगा साहब मैं वहां गया था तो मैं 15 नंबर ऑटो में बैठ के गया था। तो और अनरजिस्टर्ड कोई नया ऑटो आएगा तो उसको भी नंबरिंग देंगे तो वो ये चारों चीज की पालना कर लेगा। तो हमें बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि सबका वेरिफिकेशन करो, एक बार वेरिफिकेशन कर दिया, नंबरिंग कर दी, उसमें ड्राइवर का डिटेल आ गया, सारी चीजें आ गई, तो हमें ये रहेगा कि साहब ये जो ऑटो जिसपे नंबर लगा है अब इसको दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो ऑटो चालकों को भी अननेसेसरी समस्या नहीं होगी, कोई अगर सही है, सही तरीके से चला रहा है तो उसको हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बार बार समस्या उसको नहीं हो, इसीलिए ये उनके हित में भी जरूरी है। सिमिलरली ट्रैक्टर ट्रॉलीज का भी इसी तरीके का प्लान करके उनके यूनियन से बात करके कार्रवाई की जाएगी। दोबारा करो वरना इसका।